नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ क्लास 24 आप लोग राजस्थान पर। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ में होंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे से विद्यार्थी, जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि आज अभी एग्जाम हुआ, वन रक्षक का एग्जाम हुआ और पहली पारी का अभी तक पेपर हुआ है और पहली पापरी का जो पेपर हुआ है, ठीक है ना, काफ़ी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न प्रकार के, उस सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं, एनालाइज करेंगे, जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चनों का आंसर कैसा रहेगा बच्चों के लिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो फटाफट से एक बार कि सबसे पहले सेशन को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, वो आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। ये तीनों काम स्टार्ट कर दें, अब चलते हैं अपन यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वनरक्षक एग्जाम की सटीक आंसर की हमने यहाँ पर जारी की है अकॉर्डिंग उसके। चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या है आप लोगों के लिए। सबसे पहले ये आप लोगों के लिए पेपर यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन है इसमें और आपको पता है कि अभी तक हमारा मैथ से कोई संबंध नहीं है और जैसे ही हमारे उमेश सर आएंगे बिल्कुल मैथ वाले क्वेश्चन को लपेट देंगे यहाँ पर एक तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब मैं सबसे पहले जीके के क्वेश्चनों पर यहाँ पर बात करूंगा और अभी तक मैथ वाला ही सेगमेंट चल रहा है यहाँ पर, तो सबसे पहले अपन जीके वाले सेगमेंट पर जाते हैं और यहाँ पर जो जीके वाला सेगमेंट है लगभग 50 क्वेश्चनों के बाद है, अभी साइंस वाला चल रहा है, ज्योग्राफी की बात करता हूं सबसे पहले मैं यहां पर ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप लोगों के लिए उठा रहा हूं कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है उनसे बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा ज्योग्राफी है, पहले उसकी कोशिश करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। और ये लीजिएगा पहला ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये रहा, ठीक है। सबसे पहले करें हम यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखो ये आपका यहाँ पर बात होती है ज्योग्राफी से रिलेटेड पर्सन को लेकर, जिसमें बात हो रही है राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील को सामसर वेटलैंड कंजर्वेशन में शामिल किया गया है। अब ओबियसली आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर किसकी बात होने जा रही है, यहाँ पर बात होने जा रही है किसकी, झील की। और यहाँ पर जब झील की बात करते हैं तो रामसागर की अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सांभर झील, आपको अच्छे से पता है कि ये राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, दो है। एक बात करें तो आपका केला देव घना पक्षी विहार में है तो दूसरा, ठीक है, हम भी आ गए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले आज आपको मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम के अंदर मैंने बिल्कुल पढ़ाई हुई है, आप लोगों के नोट्स के अंदर मिलेंगी वो सब चीज़ें। छोटा सा क्वेश्चन भी मैंने बता रखा है, छोटी बातें, लास्ट तक रहना, लास्ट तक बने रहना, लाइक और शेयर करते रहना। तो यहाँ पर सांभर झील इसका आंसर होगा, कौन सा होगा, सांभर झील यहाँ पर इसका आंसर होगा। चलिए यहाँ से आगे की ओर चलते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को लेकर। देखिएगा ज्योग्राफी को लेकर अपने यहां से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर ये रहा 72 क्वेश्चन बात करें कि सूची को यहां पर सुमेलित करना है, मिलाना है, तो एक तरफ तो पर्यटन केंद्र है और दूसरी तरफ जिला है, तो ध्यान दीजिएगा जसवंतथड़ा, मारवाड़ का घड़ा जसवंतथड़ा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, बड़ा कर दिया बेटा, जसवंतथड़ा कहां पर है, जसवंतथड़ा है जोधपुर में, कहां पर है, जोधपुर में। तो एक के आगे तीन यहां पर दो जगह पर दिया हुआ है, जगदीश मंदिर कहां पर है, तो जगदीश मंदिर ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए उदयपुर से रिलेटेड है, ठीक है ना, कहां पर है, उदयपुर में जगदीश मंदिर। अगर बात करते हैं इसकी सुमेलित करने वाले ऑप्शनों की, जगदीश मंदिर कहां पर है आपको अच्छे से पता है, उदयपुर में। और यहां पर बात करें तो डी के आगे, ये देखो यहां पर डी के आगे एक ये रहा और एक के आगे तीन ये रहा, काम यहां से बन रहा है, सी ऑप्शन यहां पर आंसर होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन यहां पर होगा 100%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहां से राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन करवा लो, फिर आपको उमेश सर मैथ के क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोगों को बने रहना है लास्ट तक, ठीक है।
अब चलते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 77 पर। 77 देखो, निम्न में कथनों को विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए दिए गए कूट में से। कल मैराथन क्लास में मैं ऐसे ही क्वेश्चन करवा रहा था, बताओ मेरे बच्चों बिल्कुल सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। कल मैराथन क्लास में अपन ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे थे। अगर आपको लगता है कि हाँ सर कल मैराथन क्लास में आपने ऐसे ही क्वेश्चन करवाए थे तो एक बार थंब का निशान बनाकर भेज दो बच्चों, थंब का निशान बनाकर भेज दो। मैराथन क्लास में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन कराए थे। लूनी बेसिन गोडवाड प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो कि मेवाड़ में बिल्कुल है। गग्गर का मैदान चूरू में नहीं है, गग्गर का मैदान चूरू में नहीं है, बताया गया आपको गग्गर का मैदान चूरू में नहीं है। और गग्गर का मैदान चूरू में नहीं है तो पहला और दूसरा सही होगा, ये तीसरा गलत होगा। जहां पर तीन है वो सारे ऑप्शन गलत है। गग्गर का मैदान हनुमानगढ़ और गंगानगर में है, आपको अच्छे से पता है, तो ये भी आपका यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 77 आगे चलते हैं यहां से। 70 एक और यहां पर पीछे रह गया, 75 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। यहां पर 75 देखो भाई, 75 क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन देखो कितने क्वेश्चन आए ऐसे, देखो बच्चों काफी पर्सन ऐसे ही आए एग्जामों में। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट चुनिए। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है, बिल्कुल घटती है साहब। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, बिल्कुल साहब। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान, बिल्कुल साहब। तीनों ही चीजें यहाँ पर परफेक्ट है, पर यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि दैनिक रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, तो दैनिक भी अधिक मिलता है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि रेत जल्दी ही गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, वार्षिक तापांतर में भी चूरू जिला आता है। दोनों ही परफेक्ट आंसर है, तो इस अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर आंसर होगा डी, 1, 2, 3, तीनों ही बातें यहाँ पर राइट होगी, तीनों ही बातें यहाँ पर क्या होगी, राइट होगी मेरे शेरों। अगले क्वेश्चन की ओर आपको ले चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 77 अपन ने कर लिया। ये देखो, ये कोपेन भाई साहब आ गए, ये आ गए कोपेन। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहां पर AW, BSHW, BWHW, CWG। AW का मतलब होता है आद्र, AW का मतलब क्या होता है, आद्र जलवायु बेटा जी, क्या होता है, आद्र जलवायु होता है। AW का मतलब आद्र जलवायु होता है। और यहां पर सीकर और चूरू दिया है जो कि गलत जवाब है, नहीं पूछा है उसने, नहीं AW नहीं, बिल्कुल AW यहाँ पर सिक्कर और चूरू में नहीं। BSHW सही है, BWSW सही है, CWG भी सही है, दक्षिण पूर्व में CWG। AW का यहाँ पर मतलब गलत कर दिया इसने, ओके। तो भाई ये पर्सन भी आपके यहाँ पर, तो एक बार सेशन को फटाफट से लाइक और शेयर जरूर करें मेरे प्यारे से विद्यार्थियों। चलिए अगले पर ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन जो आज के पेपर में आया कि गो वंश की कौन सी, ये क्वेश्चन देखो 80वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि गो वंश की कौन सी नस्ल मालाणी भी कहलाती है। तो बताओ मालाणी नस्ल के नाम से किसे जानते हैं, मालाणी नस्ल के नाम से हम किसे जानते हैं, फटाफट से बताओ कि मालाणी नस्ल के नाम से किसे जानते हैं अपन, बताओ, कांकरेज को, राठी को, गिर को या थार पारकर को। अब मालाणी प्रदेश का जो संबंध है वो बाड़मेर से है, मालाणी प्रदेश का संबंध, हाँ बिल्कुल AW वहां पर परफेक्ट है। मालाणी संबंध जो प्रदेश है उसका संबंध किससे है, बाड़मेर से है। और राठी का संबंध जैसलमेर से है, गिर का संबंध अजमेर से है, कांकरेज का संबंध जालोर और बाड़मेर से, और थारपार का संबंध बिल्कुल आपके यहाँ पर किससे है, थार पारकर का संबंध भी आपके यहाँ पर बाड़मेर और जैसलमेर से है। तो मालाणी की बात करते हैं, गिर को रेंडा बोलते हैं बेटा, गिर नहीं आएगा, गिर को रेंडा बोलते हैं, रेंडा, ठीक है। यहां पर थार पारकर का संबंध है बेटा, थार पारकर का संबंध है, गिर को रेंडा के नाम से जानते हैं, नहीं बेटा जिया भाई साहब ध्यान रखना, गिर को रेंडा बोलते हैं, न कि मालाणी। मालाणी थार पार्क से संबंधित है यहां पर, या फिर कांकरेज भी बाड़मेर की है, तो दोनों ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आंसर आएगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ये अगला क्वेश्चन मैं काफी दिनों से आप लोगों को करवा रहा था, आप लोगों को कल भी करवाया था ये नीचे वाले क्वेश्चन, दो मैंने कल मैराथन क्लास में ऐसे क्वेश्चन मैंने काफी करवाया है। तो देखो आनंदपुर भूकिया, और जैसे ही आनंदपुर भूकिया का नाम आया आपको कहां पहुंच जाना है, स्वर्ण सोना, इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। तिमारा माता आनंदपुर भूकिया जो कि कहां पर है, बांसवाड़ा में, कहां पर है, बांसवाड़ा में। आनंदपुर भूकिया जो कि कहां पर है, बांसवाड़ा में है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो स्वर्णम निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए आनंदपुर भूकिया
आज जानी जाती है। कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? मरुस्थलीय के बारे में सोचना ही मत, लाल पीली के बारे में सोचना ही मत, लाल काली और मध्य काली। तो प्रमुख रूप से जो यहाँ पर मिट्टी मिलती है वो मध्य काली मृदा मिलती है बेटा जी, काली मिट्टी का यहाँ पर बसावट है तो मध्य काली मिट्टी यहाँ पर आएगी। बिल्कुल, ये देखो सारे क्वेश्चनों के आंसर आप खुद दे रहे हो तो आप समझ रहे हो ना इसका मतलब। तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें मेरे प्यारे से विद्यार्थियों। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मध्य काली मिट्टी यहाँ पर आएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर यहां पर नेक्स्ट चलते हैं देखो। और सबसे पहले मैं थोड़ा उल्टा लेके चलूंगा आपको, ये देखो 87 क्वेश्चन, क्योंकि ये परियोजनाओं के क्वेश्चन मैंने काफी करवाए आप लोगों को, यहां पर परियोजनाओं के क्वेश्चन की बात करता हूं, फिर बिल्कुल सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ज्योग्राफी के, रुको थोड़ा ठीक है ना। पहले निम्न को परियोजनाएं हैं और नीचे यहां पर स्थान है। तो देखो सिद्धमुख परियोजना का संबंध किससे? हनुमानगढ़ और चूरू से। तो यहां पर सबसे पहले ए के आगे चार और ए के आगे चार डी ऑप्शन में, ये रहा ए के आगे चार, बाकी किसी में भी नहीं है ठीक है। और देख लेते हैं नर्मदा, नर्मदा का संबंध किससे? जालौर और बाड़मेर से। जवाई बांध का संबंध पाली से और जाखम बांध का संबंध प्रतापगढ़ से। तो ये देखो डी ऑप्शन हो गया यहां पर, डी ऑप्शन हो गया यहां पर आपका ठीक है ना। तो ये भी आप लोग यहां से कर सकते हो, डी ऑप्शन आपका यहां पर आ रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से इस चीज का। तो ये क्वेश्चन भी अपना हुआ। अगली बात करते हैं यहां पर रिलेटेड टू राजस्थान ज्योग्राफी। ये देखो ये क्वेश्चन गुरुजी बार बार कितनी बार पढ़ाओगे? अरे गुरुजी बार बार कितनी बार पढ़ाओगे, ये वही क्वेश्चन है। लसाड़िया का पठार स्थित है, कल भी पूछा था और मैंने कहा था कटापटा पठार है, कौन सी झील है? याद करो बेटा जी, याद करो बेटा जी, बिल्कुल याद करो इस चीज को, मैंने कल ही पूछा था, फटाफट से बताओ। तो बिल्कुल यहां पर आपका उदयपुर आएगा लसाड़े के पठार में, बिल्कुल लसाड़े का पठार उदयपुर में ठीक है। कटाफटा पठार है, जयसमंद झील के किनारे है। जयपुर मेट्रो रेल व्यवसाय सेवाओं की शुरुआत कब की गई, किस वर्ष हुई? तो जयपुर मेट्रो से भी प्रश्न पूछा गया है, जयपुर मेट्रो से भी प्रश्न पूछा गया है बेटा जी, जयपुर मेट्रो से भी। और ये देखो मान सीमा भ्रंश राजस्थान की किस में, यहां पर 2015, यहां पर 2015। और ये देखो महान शिवांश भ्रंश, कल ही किया था ना अपन ने क्वेश्चन, आलोक जितने भी बच्चे जो मेरी क्लास देखते हैं फटाफट से बोलो, ये क्वेश्चन अपन ने कल ही किया था महान भ्रंश शिवांश, कल की क्लासों में ये क्वेश्चन हमने किए थे महान भ्रंश शिवांश दक्षिण पूर्वी में, बोलो हाँ या ना। तो ये क्वेश्चन हमारे कराए हुए क्वेश्चन आपको यहां पर मिल रहे हैं ऐसे के ऐसे। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, बिल्कुल आ रहे हैं उमेश सर, अब आप लोगों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ज्योग्राफी के देखो 95 तक पहुंच चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने आपको बिल्कुल करवाए थे। आगे देखो कुछ एक क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। चलो भाई ये टाटा नगर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं और ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले ये देखते हैं, प्राचीन नाम टाटा नगर किसे कहते हैं? और राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम में, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सबसे पूर्व में धौलपुर, धौलपुर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद पाली और पाली के बाद जैसलमेर, बिल्कुल बताओ क्लियर है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर 4321, 4321 बिल्कुल क्लियर। और अगर आप लोगों से यहां पर पूछ लेता है कि राजस्थान में प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं, तो बताओ आंसर क्या होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं कि टाटा नगर के नाम से किसे पुकारते हैं, हालांकि ये कल्चर हिस्ट्री का क्वेश्चन है ठीक है, क्योंकि नगरीय सभ्यता जो कि टोंक के पास स्थित है ठीक है, यहाँ पर दोनों की अगर हम बात करते हैं, दोनों के बारे में बात करें,
प्राचीन भारत का, कौन से भारत का, प्राचीन भारत का टाटा नगर। टाटा नगर की बात करें तो सभ्यताओं के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। रेड टोंक, बिल्कुल बिल्कुल मीना जी बिल्कुल, ये मैं आपको कह रहा जा रहा था कि यहाँ पर जो संबंध किससे है, नगरी है, नगरी सभ्यता की बात करें तो संबंध किससे आता है, टोंक से यहाँ पर आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये देखो, अगर कोई बच्चा मेरे से बिल्कुल पढ़ा हुआ है, आप लोगों के यहाँ पर किस में ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे जो भी मेरे से कोई पढ़ा हुआ है तो उसको अच्छे से पता है कि राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित, तीजो कुरियो आठवों काल, तीजो कुरियो आठवों काल। और मैं क्लास में मैंने साफ साफ लिखा रखा है कि तीजो कुरियो मतलब, तीजो कुरियो का मतलब होता है तीन वर्षों में अर्धकाल व आठ वर्षों में दीर्घकाल राजस्थान में देखा जाता है। तो उठाकर देख लो अपनी कॉपियां, आपके जलवायु के अंदर ये लिखवा रखा है सूखे व अकाल में। तो कुरियो का मतलब क्या होता है, कुरियो का मतलब होता है अर्धकाल, जो कि कितने वर्षों में होता है, तीन वर्षों में अर्धकाल होता है, तीन वर्षों में अर्धकाल होता है। और यहां पर बात करें तो कितने में, त्रिअकाल कितने में होता है, पूर्ण काल कितने में होता है, तो आठ वर्षों में, कितने वर्षों में होता है, आठ वर्षों में, आठवों काल। तो ये भी बात हमने यहाँ पर की। अब मिलिएगा उमेश सर से, बिल्कुल उमेश सर आ गए मैथ के क्वेश्चन लेकर आप लोगों के लिए। सेशन को लाइक और शेयर करो, जब तक मैं जीके के और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं मैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पेपर को देख करके मजे ले रहे होंगे कि फिर हमारी ऐसी की तैसी कर दी है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन आए फिर से बहुत शानदार। जिन लोगों को मैथ से डर लगता है या फालतू का घमंड हो तो पेपर को एक बार देख लेना, ताकि चीज़ें आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो सर, एक बार सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे, मैक्सिमम लोगों के साथ जुड़ेंगे सर अपन, और करेंगे अच्छे अच्छे मैथ्स के प्रश्न, क्योंकि इस बार पेपर में कहूंगा कि सर लेवल ज्यादा हाई नहीं था, लेकिन ऑप्शन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा दिया है भाई, है ना। लाओ सर आ जाओ पेपर को देखते ही। सर पहला ही प्रश्न हमारे तो मैथ्स का वो आ गया, सर वैसे तो ये प्रश्न आपका डिलीट होना चाहिए क्योंकि सर कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें दिया हुआ है। देखो सर, पहला ही प्रश्न क्या है सर आपका, डिलीट होना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयोटा दे दिया। लेकिन सर हमारी तो जिम्मेदारी बनती है, आपको मैंने क्लास में ये कंटेंट करवाया था शायद याद हो तो, कि इसमें आप क्या कीजिए, एक्स क्यूब का भाग लगा दीजिए। तो एक्स क्यूब से ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स, क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब पूरा भाग लगाओगे ना तो सर ये हो जाएगा आपका एक्स, और ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स क्यूब, जो आपको मैंने कैलकुलेट करना सिखा रखा है। लेकिन इन वैल्यूज के लिए पहले आपको चाहिए होगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो जब इसके संयुग्मी को निकाल करके आप इसको फॉलो कर दोगे ना, तब ये आपका आ जाएगा रूट टू। बोलो भैया क्लियर रहेगा, कितना जाएगा रूट टू। तो पहले जब आप इसका क्यूब करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर कितना भैया, टू, और टू में से थ्री लेस किया तो माइनस वन। और सर अगर इसकी बात करोगे तो सर रूट टू देख लो भैया, इसकी बात करोगे तो रूट टू और रूट टू माइनस वन लगा क्या होगा, तो आंसर आपका अभी तक तो जीरो पे मैच होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बोलो भाई क्लियर है क्या, कि सर आंसर आपका जीरो आकर के प्लस वन हो जाएगा ना, वो तो आपका आंसर आ जाएगा जीरो। बोलो भाई क्लियर है क्या। हाँ सर, ये बिल्कुल आता नहीं है आपके यहाँ पे, ठीक है ना, पेपर मिल गया, बिल्कुल पेपर मिल गया भैया, आपने भेजा पेपर मुझे मिल गया। आगे की बात अपन करें फिर से सर, संयुग्मी कैलकुलेट करना होता है सर इसके अंदर, है ना। सर रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की क्या है भाई, हमेशा जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाती है, यानी 130 प्लस प्लेटफॉर्म। सर 60 की स्पीड से चल रही है, 5/18 से गुणा करके चेंज कर लेते हैं, और गुणा कितना भाई, 15। लाओ सर ये कट गया कितनी बार भाई, 5 बार, और ये कट गया कितनी बार भाई सर आपका, 6 बार, 6 से 1 कट गया 10 बार। इनको अगर आप गुणा कर देते हो तो 250, तो P बराबर कितना आ रहा है सर आपके, 250 - 130, यानी आंसर है सर आपका 120। बोलो भैया क्लियर है क्या मेरी बात भाई। हाँ सर वाला है क्या, हाँ एक्स क्यूब माइनस वन वाला ही है सर ये एग्जैक्टली। सर उसके बाद में अगर आप बात करो एक और नए प्रश्न की, तो सर ये एक आपको अच्छा स्पर्श रेखा वाला प्रश्न दिया है। सर थोड़ा ध्यान से देखना आप इसके केस को, मैं एक बार सिखा जाता हूं। सर ये भी त्रिज्या है, सर ये भी त्रिज्या, क्या हो गया इसको, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये एंगल 50 का है, तो ये एंगल भी कितने का है सर, 50 का ही है, और ये एंगल कितने का है सर, 80 का, ये कितने का बन जाएगा, 80 का। और सर आपको पता है ये वाला एंगल तो 90 डिग्री पर स्पर्श रेखा टच करती है, तो 90 का है, ये 90 और ये 80 टोटल जोड़ो तो कितने भैया, 170, तो ये वाला एंगल केवल कितने का बचेगा, 10 डिग्री का। बोलो भैया क्लियर है क्या, कितने डिग्री का भाई, 10 डिग्री का एंगल बचेगा ओनली। देख लो एक बार तसल्ली से, सोच लो सर ट्रायंगल बेसिस पे मैंने पूरी प्रॉपर्टी
अथॉरिटी आपको बता रखी है, उसी के अकॉर्डिंग अपन ने आंसर भी किए हैं। लाओ सर नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं फिर से। सर इसने कहा है कि सर वो दो धनराशियों को अलग अलग देता है अलग अलग समय के लिए, तो ब्याज की दर बतानी है। सर पहले वाले का ब्याज निकाल लेते हैं, कितना है सर 50। सर 50 क्यों लिख रहे हो, सिखा रखा है क्लास में आपको, नीचे 100 लिखने की जरूरत नहीं है। गुणा कितना आर और गुणा कितना सर 2, ठीक है सर। उसको कितना लिख रहे हो सर 3000 लिख दो सर, उसको 30 लिख दो। और गुणा कितना आर और गुणा कितना भैया 4। सर इन सबका टोटल ब्याज जो आ रहा है वो 2200 आ रहा है, ठीक है सर 2200 भी आने दो। इसको करो कैलकुलेट तो 100R, और इसको करो 120R, तो ये हो गया सर 220R बराबर कितना है 2200। लाओ सर ये कैंसिल और ये कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है 10%, यानी सर आंसर आएगा 10। बोलो भैया क्लियर है क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका आंसर कितना आ रहा है सर 10%, दोनों को मिलाकर के इतना ब्याज मिल रहा है। एग्जाम में क्या है, कैलकुलेशन को बड़ा इंप्रूव लेवल पर रखना होता है आपको, क्या रखना होता है बड़े इंप्रूव लेवल पर रखेंगे तब जाके आंसर बनेंगे आपके, ठीक है। लाओ सर ये क्या कह रहा है, एक्स माइनस टू से विभाजित किया जाता है। बोलो मैंने क्लास में सिखाया क्या कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो भाग भाग लगाने की जरूरत नहीं है, इस वाली वैल्यू को बराबर 0 रख करके इसकी वैल्यू निकाल लो, है ना। तो x बराबर कितना आ गया सर 2 आ गया। अब वो 2 आप इसमें पुट करोगे ना तो शेषफल आपका -3 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना भाई, शेषफल कितना आ जाएगा -3। बताओ क्वेश्चन के लेवल्स कैसे लग रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन देख करके? हाँ सर क्वेश्चन के लेवल तो थोड़े ठीक ठाक से मजेदार है, बिल्कुल सर। तो ये केस आपका और आ गया है। चलो सर नए केस की तरफ बात कर लेते हैं अपन। और एक और है सर ये प्रश्न देखो यहां पे। सर 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है, अच्छी बात है सर 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है, 8 × 11, ठीक है। और सर 15 और 17 वर्ष के दो छोरे और आ गए, तो सर कितने हो गए ये 10, तो सर ये तो 88 है। बोलो हाँ या ना भाई, और इन दोनों को जोड़ो तो ये 32 है, 88 32, 120/10 हो गया, यानी नई औसत आयु हो गई 12 वर्ष। बोलो भैया क्लियर है क्या, कितनी आ गई भाई 12 वर्ष, नई औसत आयु है 12 वर्ष। सेशन को लाइक और शेयर करेंगे अभी फटाफट सभी लोग। नई औसत आयु कितनी हो गई सर 12 वर्ष, नई औसत आयु हो जाएगी उसकी। डन है क्या मेरी बात भाई पूरा पूरा? आपको कोई भी दिक्कत है इसके अंदर, कोई भी लोड है? सर बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, इजी प्रश्न था, आपने आराम से फॉलो किया और आंसर सर हमारे एकदम सही जनरेट हो गए। क्लियर हो गया भाई? लाओ सर नेक्स्ट प्रश्न। सर ये जो प्रश्न है ना आपके 10 पुरुष और महिलाओं वाला, सर 10 पुरुष अगर, सर 10 पुरुष अगर एक बार, अगर 10 पुरुष कितने दिन में करते हैं 15 दिन में, तो एक पुरुष कितने में कर देगा 150 में। एक महिला करती है सर कितने दिनों में, 15 महिलाएं मिलकर करती है 12 दिनों में, तो एक महिला कर देगी 180 में। दोनों गुणा करना सिखाते हैं मैं आपको, है ना। ये 90 हो गया सर, इधर भाग लगाओ तो कितना 6 और इधर भाग लगाओ तो कितना 5। कितने पुरुषों से काम करवा रहा है 10, तो 10 से गुणा कर दिया तो ये कितना आ गया 60, और इधर 15 महिलाओं से, तो 15 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया सर बोलो 75। सर दोनों को जोड़े कितना काम होता है 135, और हमें कितने करवाने हैं 900/135। सर 9 से काट दिया 100 टाइम्स एंड 9 से काट दिया 15 बार, 5 से काट दिया 20 बार, 5 से काट दिया 3 बार, तो आंसर है 6 सही 2/3 दिन। कहाँ है आंसर? ए ऑप्शन विल बी एक्यूरेट आंसर। बोलो भैया क्लियर है क्या? हाँ सर। सर नीचे 10 कैसे आया भैया? ऐसा था ना, देखो मैं आपको दोबारा एक बार इसको देख लो, उसको दोबारा बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आप डाउट पूछ रहे हैं तो। सर ऐसा था पहले मेरे पास में कि 8 लड़के तो पहले ही थे भाई, 2 और आ गए, तो सर 8 और 2 10 हो गए ना वहां पे, इसलिए ऐसा किया है अपन ने भाई, है ना। बोलो आलोक क्लियर हो गया भाई आपको? हाँ सर अब हमें क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर ये देखो काफी अच्छा प्रश्न है आपके सामने, ये वाला प्रश्न मैं थोड़ी सी ऊपर जगह ले लेता हूं ताकि मुझे लिखने में आसानी रहे। ये क्या कह रहा है सर सुनिएगा एक बार, दो संख्याओं के एलसीएम की बात कर रहा है। तो सर आपको पता है गुणनफल जो होता है ना वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, तो एलसीएम लिख लिया, एलसीएफ मुझे दिया हुआ है 10, तो एल का भाग अगर मैं इसमें लगाता हूं तो पहले तो शायद 5 बार गया, फिर 20 बार गया। बोलो भाई क्लियर है क्या? पहले तो 5 बार और फिर कितनी बार भाई 20 बार, तो संख्या जो होती है वो 13 गुना कितनी होती है 52। सर इन दोनों का एचसीएफ कितना है सर 13 ही है, बिल्कुल सही, और गुणनफल भी यही है। अगर इसके मैं पार्टीशन कर लेता हूं एक और, इसको कर दूं 26 और सर इसको ध्यान से देखना भैया, इसको 26 कर दें और इसको कितना कर दें आधा 260, तो सर इन दोनों का
अभी भी अगर अपन बात करें ना तो गुणनफल तो यही आएगा सर 510, लेकिन SCF इनका 13 नहीं आ रहा है सर। बोलो हाँ या ना भाई, SCF 13 नहीं आ रहा है तो सर आगे को फॉलो कर दो। आप एक काम करो सर, आगे फॉलो कर दूं मैं इसको 52 कर दूं और इसको कितना कर दूं भाई 130। हाँ सर 52 130 कर दीजिए, लेकिन सर गुणनफल तो एकदम सही है और सर LCM भी 512 LCM आ जाएगा कि इसका, बोलो भैया। हाँ सर LCM भी 520 आ जाएगा। और SCF की बात करोगे तो सर SCF इसका भी कितना आ रहा है सर 26 आ रहा है, तो ये भी केस नहीं बनेगा। सर आगे की बात और कर लीजिए, एक काम करो इसको सर 78 कर दीजिए। बोलो हाँ कि ना भाई, कितना कर दीजिए भाई 78 और इसको कर दीजिए 65। बोलो हाँ या ना भाई, तो ये 78 और ये कितना है भाई 65, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो अभी भी इतना ही आएगा और SCF भी LCM भी 520 आएगा सर और SCF भी 13 ही आ रहा है। तो केवल एक तो ये केस बन रहा है सर हमारा, बोलो हाँ कि ना भाई, केवल और केवल एक ये केस बन रहा है, लेकिन सर ये केस भी हमारा प्रॉपर नहीं है। बोलो हाँ या ना, क्योंकि सर इन दोनों के अगर LCM की बात करो तो LCM 520 ही आगे रह जाएगा। LCM कितना आगे रह जाएगा 520। तो केवल और केवल एक यही नंबर है जिसके बारे में हम बात करके वो कह सकते हैं कि ऐसा आएगा। चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई भी करके चेक कर लो तो केवल एक आंसर आएगा इसका। कितना आंसर आएगा? केवल एक। डन है क्या भाई मेरी बात? कोई भी लोड हो तो बता दो सर अभी के अभी कि हाँ सर हमें कोई डाउट है अभी भी? है क्या कोई डाउट किसी को भी? इजी पैटर्न था सर, आसान पैटर्न था, आराम से कर सकते थे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। केवल दो पैटर्न बन रहे हैं अपने, केवल एक पैटर्न बन रहा है, केवल एक। बोलो भैया क्लियर है मेरी बात? हाँ सर, केवल और केवल कितना भाई एक। नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं सर। ये एक अच्छा प्रश्न मुझे लगा सर इसको देख करके, तो सर यहां अपन को मूवमेंट देना भी चाहिए। बोलो भी क्लियर है क्या? तो सर ऐसा है ना कि क्या कह रहा है, एक संख्या को स्वयं से गुणा करो यानी एक्स बटे वाई और गुना एक्स अपॉन वाई। सर बड़ा अच्छा प्रश्न लगा मुझे, और उसके व्युत्क्रम से भाग लगा दो। तो सर आप सबको पता है व्युत्क्रम तो घूम के वैसे भी ऊपर ही जाने वाला है, तो सर ये तो क्यूब बना रहे हैं, एक्स क्यूब और वाई क्यूब। अब इसको सोल्व करने मत बैठ जाना भैया, देखो सुन लो मेरी बात, हेलो सुनो, इसको सोल्व करने मत बैठ जाना। कैसे करोगे वो सुन लो। सर पहले वाला क्यूब दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर ये 2 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है सर? 8 का क्यूब है। तो ये आंसर जनरेट हो सकता है, एक बार इसको देख लेते हैं सर। इसकी बात करें अपन, ठीक है ना, इसकी बात करें तो, इसकी बात करें तो सर ये कितना बन रहा है सर? देखो नीचे 27 लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली आएगा भी 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो ये तो गलत है और ये भी गलत है। इनको चेक करते हैं कौन सी क्वांटिटीज क्यूब बना देती है। लाओ सर पहले को लिखा हमने तो ये हो गया 8/3 और इसको लिखा हमने 4/3। सर वेरी गुड, 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है और 8 का क्यूब बहुत ज्यादा होता है। इसको इधर गुणा करके जोड़ोगे ना तो 512 ही आ रहे हैं। तो सर हमारा आंसर आ रहा है 8/3 यानी 2 सही 2/3 एग्जैक्ट आंसर है। बोलो भाई क्लियर है क्या? कैसे किया कुछ समझ में आया क्या? सर आपने 4/3 को क्यों कैंसिल कर दिया? सर मैंने 4/3 को इसलिए कैंसिल किया है क्योंकि सर इसको अगर मैं इससे गुणा भी करता हूं ना तो कम से कम 270 तो मानते हो ना, 18 से 10 से भी करूं तो, और इसका क्यूब तो केवल 64 होता है। ये रेंज बड़ी ऊपर जा रही है इसलिए मैंने इसको टिक किया है, थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात थी भैया ना। लाओ सर नेक्स्ट प्रश्न की बात करो। सर एक ये भी प्रश्न मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसकी बात करो तो सर इसको एक्स मान लो और नीचे वाली दोनों क्वांटिटीज को इधर मल्टीप्लाई कर दो सामने की ओर, तो ये x गुणा x स्क्वायर। आप जब इनको गुणा करोगे ना तो 3969 आएगा। बोलो हाँ कि ना भाई, कितना आएगा 3969? ये तो x ही ओनली। अब सर 3969 ऑप्शन में दिया हुआ है, बोलो हाँ दिया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन सर ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 3969 यानी इसका रूट निकालना पड़ेगा। रूट निकालना मैंने बता ही रखा है आपको सर, लास्ट में 3 आएगा या फिर 7 आएगा। सर दो ऑप्शन मैच हुए, ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, दो ऑप्शन मैच हुए। सर ये किस किस के बीच आता है सबको याद है ना, 6 और 5, 6 और 7 के बीच में, तो यहां 6 लिखा और यहां 6 लिखा, सर 63। ये रहा, सबको सिखा रखा है भैया, डरना नहीं है ऐसे प्रश्नों के अंदर। बोलो हाँ या ना, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे सभी लोग कि हाँ सर हमने ये बिल्कुल सही किए हैं प्रश्न। कोई भी दिक्कत है भाई इसमें? बोलो हाँ सर, कोई लोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बिल्कुल सही किया है सर ये सारा सारा काम, ठीक है। अब सर इसकी तरफ आ जाओ, ये क्या कह रहा है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? एक्स का। तो सर एक इजी प्रश्न है, इसके बारे में ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है। सर ये पूरा पूरा एंगल कितना है? 70 है, जिसमें से अगर ये 40 है तो सर ये कितना आ गया 30, यानी वाई की वैल्यू 30 है। इन दोनों की वैल्यूज की अगर आप बात करना चाहते हो तो ये 2y की वजह से 60 हो जाएगा और समांतर रेखाओं के मध्य बने कोणों का योगफल 180, तो आपका जो x है वो आ जाएगा डी ऑप्शन यानी 120। बोलो भाई क्लियर है क्या?
डी ऑप्शन यानी कितना भैया 120। बोलो क्लियर हो गया इतना, कोई भी दिक्कत है इसमें, कोई भी डाउट है क्या? ठीक सर, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं अपन फिर से। 15 प्रश्न है, 15 के 15 शानदार। सर ये बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन लगा सर मुझे, इसका सॉल्यूशन मैं एक पूरे शॉर्ट वीडियो में आपको दूंगा, आज ही वनपाल में आया और बहुत गजब का आया है सर, ठीक है ना। आपको देखो सर कैसे बोल के रखा है इसने, दो एक बार तो इसका जो डिवीजन होगा वो 12 के रेशो में और एक बार 14 के रेशो में, तो सर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 57 आंसर आपके मैच कर जाएंगे। बोलो हाँ कि ना भैया, जगह नहीं है तो मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता आपको भी, ठीक है। सर ये क्वेश्चन अपनी क्लासरूम में से है, एज इट इज जाके चेक कर लेना। 8% का आएगा इसका भाई, कितना आएगा? 8 रुपए प्रति किलो। कितना आएगा भैया? 8 रुपए प्रति किलो। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। उसके बाद में सर ये एक प्रश्न और मुझे बड़ा अच्छा लगा, देखो नीचे जगह भी अपने पास, मैं सॉल्व कर देता हूं इसको, है ना। सर ये क्या कह रहा है देखो ध्यान से, कोई भी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या परफेक्टली फॉर्म तो नहीं हो पाएगा, 90 डिग्री का एंगल बोला है इसने कि 90 डिग्री पे कट करती है, लेकिन सर हमें पता है ये वाली साइड जो है वो 9 है और ये केंद्रक होता है सर, प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक होता है, क्या होता है? केंद्रक, और 2:1 में, तो ये 9 है तो ये भुजा 3 हो जाएगी, ये वाली भुजा 6 है और ये भी 2:1 में कटेगी तो ये कितनी हो जाएगी? 4। सर 3 और 4 का स्क्वायर तो ये कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है तो ये आएगा 5। ये आ गया आपका आंसर, ट्रिपलेट बन रहा है सर, परफेक्ट ट्रिपलेट बन रहा है। कितना बन रहा है सर? परफेक्टली ट्रिपलेट मैनेज हो रहा है पूरा पूरा आपका। लाओ सर देखो, ये प्रश्न मैं बार बार कहता था, आप में से जितने लोग हैं चैलेंज है, आप करके देख लो, आपका आंसर 45 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आएगा? 45। बट परफेक्ट आंसर इज कितना है? 50। याद रखना, कई सारे गधे इसका 45 ही आंसर बताएंगे, 45 आंसर नहीं है, इसका आंसर 50 आएगा परफेक्टली। चाहो तो करके दिखा दूं मैं, क्योंकि सर ये वाली वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे ना, ये वाली वैल्यू, तब इसका प्रॉफिट 35% आ चुका होगा। लेकिन सर 10% प्रॉफिट नहीं कमा रहा है वो 10% वजन कम कर रहा है, तो सर वो 11 सही 1/9 का, 100/9 का और प्रॉफिट कमा रहा है, तो सर उसके बाद में एक प्रॉफिट और आ गया। दोनों प्रॉफिट जोड़ के बताने हैं, तो आपको टेक्निक मैंने सिखा रखी है सर कैसे आंसर आएगा वो बता देता हूं एक बार आपको मैं। ये लिखोगे आप 35 + 100/9 एक्स प्लस वाई, याद है ना, और फिर 35 × 100/9 और डिवाइडेड बाय 100। देखो सर ये 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, 35 अपनी ही जगह पर है, बिल्कुल सर रख दो उसको। 100 + 35 = 135/9। देखो भोले प्राणियों, कट गया 15 बार, और 15 और 35 कितने? 50। बहुत सारे गधे इसका आंसर 45 देंगे, लेकिन इसका आंसर कितना है? 50। बोलो मजा आया कि नहीं आया? अपने सेशन में जितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कॉन्सेप्ट सिखा के भेजूंगा, वहां पे राम का श्याम, सोनू का मोनू, 50 का 60, 70 का 80 हो सकता है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके एकदम सही आएंगे। बोलो भैया क्लियर है क्या? बाकी अब प्रदीप सर आपको करवाए जा रहे हैं भाई नए प्रश्नों के लिए। एक बार सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चनों में कौन से आंसर होंगे जीके वाले पोर्शन में, जबकि जीके वाला जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो 30 क्वेश्चन से 30वें क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, तो लाइक और शेयर जरूर कर दें मेरे प्यारे से विद्यार्थियों। ये साइंस वाला सेगमेंट, एक बार जीके वाला सेगमेंट अपन पूरा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की यहाँ पर बात करते हैं, तो अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा यहाँ पर, न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। नेक्स्ट बात करते हैं 32 लाइए सर, अब अपन चलते हैं अपने नए सेशन के साथ में, जहां अपन जीके के प्रश्न सॉल्व करेंगे। जीके के प्रश्नों के लिए आप लोग भी तैयार हो जाओ, क्योंकि आपने जीके तो बहुत कुछ पढ़ी हुई है। आज संजय सर कहीं व्यस्त हैं हमारे, इसलिए वो आपके साथ नहीं जुड़ पाए, लेकिन संजय सर ने आंसर्स भेज दिए। मैं आपको देखूंगा कि आपको कितने प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न था, अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किया गया है? आंसर आपके कमेंट स्क्रीन पर टिक करो, प्रदीप सर आपको 2 मिनट में आंसर बता देंगे। बिल्कुल बी आंसर एकदम एक्यूरेट था, 32 नंबर। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर पड़ी जानी चाहिए। बिल्कुल सर, इसके अंदर 60 वर्ष उम्र कर दी गई है। कितनी वर्ष कर दी है? 60 वर्ष। बी ऑप्शन कितना आंसर है भाई? बी ऑप्शन। आप भी अपने अपने आंसर फटाफट देते जाइए भाई। ठीक सर, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। 33
जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के एमओयू पर हस्ताक्षर किए जिससे 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा? बिल्कुल बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नाम आता है जापान का, 34 नंबर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है। एक बार आपके आंसर भी फटाफट चाहिए मुझे, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संबंध में आंसर आपके साथ में है, फटाफट देते जाइए। ध्यान रखना, कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं सर। 35 जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का प्रस्ताव अनुमोदन किया है? साहब, जहां पर नाम अशोक गहलोत आ रहा है तो जोधपुर पीछे कैसे रह सकता है, जोधपुर और सर ये अच्छी बात है आपने कही सर। मार्च 2022 में आजादी का अमृतसोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने में मामले में राजस्थान का स्थान है? बिल्कुल, यहाँ पर हमारे राजस्थान को जो स्थान दिया गया है वो चौथा स्थान दिया है सर। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 37 मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति को मंजूरी दे दी है। REVP में ई का अर्थ है? बिल्कुल, अगर यहाँ पर ई का अर्थ देखे तो सर बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि ई वाला सेगमेंट इधर ही आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक। बिल्कुल सर, वेरी गुड। हाँ, एम्प्लॉयमेंट भी वैसे ई से आता है, एम्पावरमेंट भी ई से आता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक ई आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ तो सारे अगर देखो इंग्लिश में तो सारे ई से ही स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन वो हिंदी मीडियम वाले थोड़े बच गए और किस्मत से आंसर भी सही है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, आपने भी ऐसे ही आंसर दिया है सोच के। सर, हाल ही में राजस्थान के किस शहर पर भारत सरकार की गोवर्धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? बिल्कुल सर, ये चर्चा का विषय रहा है और ये चर्चा का जो विषय रहा है वो साचौर जालौर वाला रहा है सर, साचौर जालौर। नेक्स्ट, RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? बिल्कुल, राज्य सूचना आयोग द्वारा ये जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? बिल्कुल, नवंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया सर, इस कार्यकाल को नवंबर। आप भी अपने अपने आंसर्स देते जाइए सर, जल्दी। सर, क्वेश्चन नंबर 41, कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसका आंसर सर बता दीजिए, क्या आंसर आएगा इसका? केवल कथन एक सही है। बिल्कुल, महाधिवक्ता राज्य विधानसभा कार्यवाही भाग लेने का अधिकार बिल्कुल है, उसे राज्य की विधानसभा वोट देने का अधिकार नहीं सर, पहला ही सही होगा इसके अंदर। कथन केवल कौन सा सही है सर? पहला कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? बिल्कुल सर, अगर प्रथम विपक्ष के नेता की बात करें तो रामनारायण चौधरी जी थे। अच्छा, रामनारायण चौधरी, ये परसराम मदरेणा का नाम भी मैंने बहुत सुना है सर। मदरेणा जी का नाम बिल्कुल सुनाऊंगा, चर्चा का विषय रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? तो बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि निम्न में से ग्राम सभा का कार्य नहीं बोला उसने, क्या बोला उसने यहाँ पर? नहीं बोला है तो वो जनगणना करना काम नहीं है सर। कौन सा काम नहीं है? जनगणना। बिल्कुल, जनजाति कल्याण, जन योजना, ये तो सब बिल्कुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था? अरे वाह, वसुंधरा राजे, कैसे भूल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? 100% सर, जयपुर में है। बिल्कुल जयपुर में, मेरे बच्चों गलती मत कर देना, जयपुर में है। वेरी गुड, आप भी अपने अपने आंसर्स बता दीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट सभी लोग। प्रदीप सर आपको बता रहे हैं आंसर एक के बाद एक। क्वेश्चन नंबर 46, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ था? बिल्कुल सर, ये जो विलय हुआ था 18 अप्रैल 1948 को बताया गया विलय। बिल्कुल, तो पहले उदयपुर कहाँ आता था सर? मेरे को तो कभी पता ही नहीं है। तो बिल्कुल सर, उदयपुर तो राजस्थान में, मैंने सारी पढ़ाई उदयपुर से की है, मुझे खुद को नहीं पता है। हाँ, पहले रियासतें थी, रियासतें कन्वर्ट हुई जिलों के अंदर। अच्छा, वो बाद में ऐसे विलय हुआ है थोड़ा। चावंड महाराणा प्रताप के कितने वर्षों तक राजधानी रही? बिल्कुल 20 वर्षों तक रही सर, 20। नाम निमाड़ी उप बोली है, शेखावटी की, मेवाड़ी की, बागड़ी की, मालवी की? मालवी की सर, मालवी की उप बोली है। किसकी उप बोली है? मालवी की उप बोली है सर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं सर अपन, आप भी अपने अपने आंसर लिखते जाइए सर। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? बिल्कुल, जगन्नाथ राय प्रशस्ति सर, इसमें आंसर आएगा बी ऑप्शन, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। बिल्कुल 49 में बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 15। रोड नदी के किनारे स्थित बागोर सभ्यता पशुपालन, यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्किप करेंगे सर, 41 लीजिएगा। 51 गलत युग में चुनिए छत्री और स्थल। सर छत्री और स्थल के बारे में कौन सा सही है सर इसका आंसर? 84 कंबों की छत्री कोटा में है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। और इसके अलावा बात करें तो मामा भांजा की छत्री जयपुर, यहाँ पर इसने दिया हुआ है, तो 1 और 3 बी ऑप्शन सही है सर 51 में। 51 में कौन से ऑप्शन सही है सर? बी ऑप्शन सर, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं सर, सुदर्शन का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? नाहरगढ़ दुर्ग, बिल्कुल सर ये नाहरगढ़ काफी चर्चा का विषय भी है, नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ जो अपने जयपुर में वही है सुदर्शन का किला। देखो सर ये बातें मुझे भी आज पता लग रही है धीरे धीरे। लाइक और शेयर कर दो बच्चों, अगर आप लाइक और शेयर में तो आपको ध्यान नहीं दे रहे, एक बार लाइक और शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक हैं? गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी हैं सर, बिल्कुल इसके। क्वेश्चन नंबर 54, चार चोमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बिल्कुल कोटा में, चार चोमा शिव मंदिर कोटा जिले में सर। ये अवस्थित का क्या मीनिंग होता है? पाया जाना। अच्छा एक अलग ही मीनिंग है सर, लोकेटेड लिखा हुआ है इधर तो। वेरी गुड सर, फिर से देखो 55, अधोलिखित युद्ध का सही कालानुक्रम है सर, सही कालानुक्रम है बताइए सर। बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात होती है तराई की, ठीक है, तराई की बात होती है, फिर गिरी सुमेर के युद्ध की बात होती है, फिर हल्दीघाटी के युद्ध की, और सबसे बाद में हम बात करें तो दिवेर के युद्ध की। बी ऑप्शन सही है सर, बी ऑप्शन। डोंग जी जवाहर जी किस जिले के थे? 56 क्वेश्चन नंबर है, डोंग जी जवाहर जी किस जिले के थे? जवाहर जी का जो संबंध था वो सीकर जिले से रहा है सर, सीकर जिले से। आप लोग भी अपने अपने आंसर बता दीजिए। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना स्वतंत्रता से पहले ही कर दी गई थी और 1933 में की गई सर, 1933 में। वैसे सारी डेट स्वतंत्रता के पहले की है सर, है ना? हाँ सारी ये डेट है। फिर से रावा बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? सर यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 1488 ईस्वी में, 1488 ईस्वी। हेलो हाँ, आप भी अपने अपने आंसर्स देते रहो भाई, देखते हो कितने लोगों को आपको भी आता है, मानो आपका ही एग्जाम है ये। सर नया है, बेणेश्वर का मेला कब भरता है? 59 नंबर जी सर, माघ मास की पूर्णिमा को भरता है ये मेला, पूर्णिमा के दिन माघ मास की। और यहाँ पर बेणेश्वर मेला डूंगरपुर के यहाँ पर सोम जाखम और माही तीन नदियां हैं जो वहां पर मिलती है, वहीं पर भरता है सर। सर क्वेश्चन नंबर 60, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? बताइए सर किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तो यहाँ पर कच्ची घोड़ी की है नहीं, तेरा ताले की नहीं है, गेर की नहीं है, वो भवाई की कलाकार है सर, भवाई। क्वेश्चन नंबर 61, विग्रह राज रचित रचना हर के लिए है, इसका आंसर आपको संजय सर बताएंगे, नाटक। कितना नाटक? लाल जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? लाल जी नवल संप्रदाय के सर, नवल संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं सर, याद रखना मैथ्स के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बता चुका हूं, बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं, सेकंड पारी वाले ध्यान से देख के जाना। क्वेश्चन में एक वो इमेजिनरी नंबर का दे दिया है तो उसको मैं मानता हूं डिलीट होना चाहिए क्योंकि वो 12th लेवल का है भाई क्वेश्चन। सर अपन चलते हैं, बीलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? बीलाड़ा काफी फेमस रहा है सर और उसका संबंध जो है वो है आई माता से, आई माता। सर खूंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? जी गले में, गले में। क्या मतलब खूंगाली क्या होता है सर? खूंगाली है, ये तो भारी भारी चीजें हैं। चित्रकार निसार दीन और साहिब दीन किस चित्रकला से संबंधित हैं? चित्रकला हमारे यहाँ पर काफी प्रसिद्ध रही है राजस्थान में और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है सर ये। ओके ओके सर, पन्ना मीणा का कुंड कहाँ स्थित है? पन्ना मीणा के कुंड के लिए कहा जाता है कि राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66। सर नेक्स्ट प्रश्न, अगर हम बात करें राजस्थान की, निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेक्शन में शामिल किया गया है? स्टार्टिंग में ही मैंने बच्चों को बता दिया था कि सांभर झील को सम्मिलित किया गया है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं है? अब अपन यहाँ पर बात करें तो कांतली का संबंध गणेश्वर सभ्यता नैसकी बारातल से सर, डी ऑप्शन आएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन। सर फिर से नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? मल्लीनाथ जी का सर, मल्लीनाथ जी का, मल्लीनाथ जी का सर यहाँ पे आंसर जो है वो है मल्लीनाथ जी का मंदिर है, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न जो है आपका, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? रागमाला की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो चावंड शैली का है सर वो। कौन चावंड शैली? बिल्कुल चावंड शैली का है। ओके सर,
नेक्स्ट की बात करें सर, आगी बाण के संपादक थे सर। क्वेश्चन नंबर 72 सर, इसमें कुछ सुमेलित करने वाला सीन है, जसवंत थड़ा वगैरह करके। बिल्कुल, मैं बता चुका था आपने जो कितना हो गया सर। वाकई में आप लोग दिमाग को पूरा रखते हो, इधर मैथ के क्वेश्चन देख रहे थे सर, और मैं जसवंत थड़ा जोधपुर जोधपुर कर रहा था, इन्होंने पकड़ लिया। और मैंने इनसे पूछा क्योंकि इनको उदयपुर से बहुत संबंध रहा है कि सर ये जगदीश मंदिर किधर है, तो इन्होंने बोला अरे जगदीश मंदिर सर उदयपुर में है ना अपने में, और इसमें एक ही ऑप्शन में बी उदयपुर से ही बिलिंग करता है। चलो सर, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन सर। राजस्थान की SDG रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा सर। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय सर। नेक्स्ट की बात करें, ये तो क्वेश्चन ही सर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, संपदा योजना 5 वर्ष में सर। ठीक है, टिक कर दीजिए इसका आंसर, बच्चों को पता लग जाएगा जी। आगे बढ़िए सर। ठीक सर, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं एक बार, आंसर की मांग है। हाँ सर, राजस्थान जलवायु, राजस्थान जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और सही कूट को चुनिए, सही कूट को चुनिए। तो इसका आंसर आपका जो बताया जा रहा है वो डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है भाई? डी ऑप्शन है। बिल्कुल, तीनों ही चीजें आएगी इसके अंदर, तीनों बता देता हूं आपको। 76 भीलों के व्रस्त वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है सर। भीलों, ये तो फेटा तो शायद भले सिंपल सी चीज होनी चाहिए कि सर फेटा शायद पगड़ी होनी चाहिए सर पे जो पहनते हैं, फेटा या फिर कुछ और भी हो सकता है, तो आप बताइए सर क्या हो सकता है कुछ आंसर इसका। सर क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सर इसका आपका आंसर आने वाला है, प्रदीप सर बताइए एक बार। सर लूनी के बेसिन बिल्कुल सही है, गिरवा भी सही है, और यहाँ पर यह गलत है सर, क्योंकि चूरू से कोई मतलब नहीं है। घग्गर का मैदान आपको अच्छे से पता है कि कहाँ पाया जाता है, तो पहला दूसरा हनुमानगढ़ और गंगानगर पाया जाता है, चूरू से क्या मतलब है इसका। लाओ सर नेक्स्ट प्रश्न, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे थे अपन यहाँ पर 78 की, कि बच्चों 78 जो क्वेश्चन है सांसी जनजाति के लोग, तो भरतपुर जिले से संबंध आता है उनका, किससे आता है भरतपुर से। बात करते हैं 79 की, मैं बिल्कुल करवा चुका हूँ, 79 आपका नहीं है, ए 79 में ए ऑप्शन होगा 100%। क्वेश्चन नंबर बात करें अपन 80, गोवंश की नस्ल की अगर मैं बात करता हूँ 80वें में, मैं आपको बिल्कुल कह चुका हूँ कि इसका संबंध थारपारकर से है। किससे? थारपारकर से। बिल्कुल यहाँ पर बात करें थारपारकर। आनंदपुर भूकिया, बिल्कुल मैंने आप लोगों को कहा स्वर्णम से, 81 अपन ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर तो करना बनता है यार, आप लोग कर सकते हो ये काम तो। ठीक है, 83-81 में अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट बात करें कोटा झालावाड़ मर्दा कौन सी पाई जाती है, 82 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो मर्दा पाई जाती है, देखो ध्यान रखना, मध्यकाली और लाल काली मर्दा दोनों ही यहाँ पर सेगमेंट में आती है, मध्यकाली क्योंकि काली से भी संबंध है और यहाँ पर लाल काली मिट्टी से भी संबंध है, पर वो लाल काली डूंगरपुर बांसवाड़ा की ओर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, आजम जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले के लिए प्रसिद्ध है। 83 क्वेश्चन में बात करें तो आजम जाजम प्रिंट का जो संबंध है वो चित्तौड़गढ़ से है। किससे? चित्तौड़गढ़ से। ऐसे क्वेश्चनों के आंसर तो आप दे सकते हो, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें यहाँ पर, ये 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग निम्नतम लिंगानुपात है। तो ओबियसली वो झुंझुनू में, 84 के अंदर क्या आएगा, झुंझुनू में है बेटा, वो झुंझुनू में है। राजस्थान के किस जिले में बिलिव पोटरी फूलदानों प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है, ये बात करें 85 क्वेश्चन नंबर 85 में, कि कौन सा प्रसिद्ध है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध है वो कोटा प्रसिद्ध है। कौन है? कोटा। कौन सा प्रसिद्ध है? कोटा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चलेंगे सीधे तो अपन थोड़ा सा 87 पर, और 87 का आंसर मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि 87 में जो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि मैंने कहा इसको इससे जोड़ दो और नर्मदा को किससे, इनसे जोड़ दो, इसके अलावा जाखम जमाई बांध को पाली से और जाखम को प्रतापगढ़ से, तो डी ऑप्शन होगा। यहाँ से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के बाद 88 क्वेश्चन नंबर 88 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्किप करेंगे अपन,
और सीधे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 पर आएंगे थोड़ा सा अपन। और कर्नल जेम्स टोट के किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? ये देखो, मैराथन तो आप लोग बता सकते हो कि किसे कहा मैराथन मेवाड़ का। अगर ऐसा पर्सन आता तो आप लोग आंसर क्या देके आते कि हल्दीघाटी को कहा। किसको कहा? हल्दीघाटी को। चलिए यहीं पर सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सिक्कर में आमंत्रित किया था? तो फतेहपुर सिक्कर में जो आमंत्रित किया गया था वो किसको किया गया था? दादू दयाल जी को। किसको किया गया था? दादू दयाल जी को बुलाया गया था अकबर के द्वारा। यहीं पर बात करते हैं कि 92 क्वेश्चन नंबर 92 की अगर हम बात करते हैं कि आमेर के जयसिंह ने फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? 92 की मिर्जा राजा की जो उपाधि दी वो किसने दी? वो शाहजहां ने दी। लसाड़े का पठार कहाँ पर है? उदयपुर में। जयपुर मेट्रो की स्थापना क्वेश्चन नंबर 94 जयपुर मेट्रो की स्थापना, तो यहाँ पर जयपुर, बहुत बढ़िया, शाबाश, यही चाहिए था। जयपुर मेट्रो की अगर स्थापना की बात करें क्वेश्चन नंबर 94, तो यहाँ पर आंसर ए आएगा बेटा। हालांकि 2015 में शुभारंभ शुरुआत हो गई थी, ठीक है, और यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ था वो 2011 और शुभारंभ 2015 यहाँ पर बात होती है। चलिए महान ब्रंश घाटियों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि महान सीमा ब्रंश राजस्थान की किस भाग में मिलता है? तो दक्षिण पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 95 दक्षिण पूर्व में कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए उत्तरदायी है? तो राजसिको। कौन सा है? राजसिको उत्तरदायी है बेटा। 97 की बात करें तो राजस्थान के किस जिले में भारतीय टाटा नगर में, आपको पहले भी कहा था 97 यहाँ पर जो आंसर होगा ये रेड आएगा, नगरी नहीं बेटा, रेड आएगा रेड टोंक में, रेड टोंक में। पहले मैंने रेड नगरी बता दिया था, उसको आप सही कर लेना, नगरी टोंक में, रेड टोंक में आएगा, नगरी में नहीं आएगा, रेड टोंक आएगा वहाँ पर। चलिए 98 की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 98 कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 1 2 4 3 1 ये बिल्कुल ऐसे कैसे 98 आएगा। और उसके अलावा बात करते हैं पंजाब उर्स 99, पंजाब उर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हमारे अजमेर में। कहाँ पर मनाया जाता है? अजमेर में मनाया जाता है। और बात करें कि किस नाम से पुकारते हैं? अर्धकाल के नाम से पुकारते हैं। तो ये रही हमारे यहाँ पर आज के क्वेश्चन सेशन जो हमने करवाया उसकी। सर अब आपको बताने वाले हैं कि क्लास 24 किस प्रकार से करवा रहा है अन्य सभी एग्जामों की तैयारी। देखिए सर, वनपाल वन रक्षक के पेपर आज और कल में पूरे हो जाएंगे, फिर आपका अगला टारगेट सीईटी या फिर राजस्थान में आने वाले अदर एग्जामिनेशन जरूर रहेंगे। उन एग्जामिनेशन के ऊपर आप बात करेंगे तो राजस्थान क्लास 24 आपने राजस्थान ने आपको दी है सबसे पहले आंसर की, सटीक आंसर की एकदम, उसके साथ में आप संतुष्ट होंगे। बाकी सारे विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन सबको भी एकदम पता होगा। बिल्कुल, जो भी चैनल पे नए हैं एक बार सब फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, फटाफट से सेशन को लाइक शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं देने वाला हूँ आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर क्लास 24 आप राजस्थान पे क्या कुछ नया है वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो कितने लोग एक बार हमारे द्वारा दी गई जानकारी से एकदम संतुष्ट हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं हाईकोर्ट एलडीसी की तो सर राजस्थान के हाईकोर्ट एलडीसी के लिए समर्पण बेच आपका चल रहा है। अगर आप हिंदी के लिए पढ़ना चाहते हो तो स्पेशल हिंदी के लिए गुरु दक्षिणा बेच आपके सामने है। उसके बाद में अगर आप पढ़ रहे हैं सर महाराणा बेस सीईटी और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2 और लेवल 1 दोनों के लिए है, रीट का मास्टर बेच भी आपको अवेलेबल है। उसके साथ में सर ईओआरओ के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो विजयी भव बेच भी आपके साथ में अवेलेबल है। एज सून एज पॉसिबल जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथ्स में बड़ी प्रॉब्लम है तो मेरा एक आर्यभट्ट बेच भी लॉन्च मंडे से होने जा रहा है, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं जिसकी क्लासेस यूट्यूब पे रेगुलर चल रही है, प्रैक्टिस सेशन हम मैनेज करते हैं भाई, ठीक है ना। वेरी गुड, 84 आपके सही हो रहे हैं, जिज्ञा एकदम सही है भाई। कल्याण बेच आपको राजस्थान ज्योग्राफी का कंप्लीट बंच मिल जाएगा, और पन्नाधाय बेच में आपको हिस्ट्री कल्चर एंड आर्ट, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, ये पूरा आपको पैक मिल जाएगा। तो जितने भी लोगों ने अभी तक क्लास 24 आपने राजस्थान की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो जल्दी से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने का तरीका क्या है? आप जाएंगे प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर आपको क्लास 24 के नाम से आपको एप्लीकेशन मिलेगी, देन आप जाएंगे राजस्थान में। राजस्थान के अलावा राजस्थान के अंदर आपको इतने सारे कोर्सेज एनरोल मिलेंगे, ये बाकी हो गए, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो काफी सारे कोर्सेज आपके बेनिफिट के लिए वहां पे हैं भाई, ठीक है। तो सर आप जाके वहां से इस कोर्स को जैसे ऑल के करेंगे, महाराणा बेस सीईटी के लिए है, महाराणा बेस सीईटी ईओआरओ बेच है आपका, नगर पालिका बेच है, फाउंडेशन फॉर ईओआरओ है, काफी सारे बेचेस आपकी फैसिलिटीज के लिए अपने अपने अकॉर्डिंग वहां पे मिल जाएंगे। तो आप इस
एप्लीकेशन को आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम पधारे हैं वो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ठीक है। तो आज की आपकी हमारी मुलाकात इतनी है, शाम का पेपर भी हम एनालिसिस कराएंगे, तो बिल्कुल बी रेडी, आप बिल्कुल 4:30 बजे के बाद में 4:45 बजे यहाँ पे आ जाए। शाम के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो मैं बताऊंगा, और जो विद्यार्थी मैथ्स में थोड़े से हल्के पड़ जाते हैं उनको मैं बोल दूं आप मेरे साथ जुड़िए, मैथ्स डेफिनेटली आपकी इजी हो जाएगी। और जो लोग मुझसे मैथ्स पढ़ चुके हैं वो बिल्कुल कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, बाकी और कोई लोड नहीं है। मैथ्स की क्लासेस हमारी रेगुलर, मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ सर, क्लास 24 आपन राजस्थान पे क्या क्या क्लासेस के टाइमिंग चल रहे हैं भाई। सर मॉर्निंग 8 से 9 आपकी होती है भाई शिक्षा मनोविज्ञान, ये याद रखना, जो रीट वाले विद्यार्थी है भाई शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास होती है 9 से 10 आपकी क्लास होती है ज्योग्राफी की, ठीक है। उसके बाद में आपका गैप रहता है सर, फिर 12 से 1 जो क्लास होती है वो आपकी होती है हिंदी की, और उसके बाद में आपकी क्लास होती है सर शायद 2 से 4 वो क्लास होती है आपकी हिस्ट्री आर्ट और कल्चर की भाई, ठीक है ना, हिस्ट्री आर्ट और कल्चर की। उसके बाद की बात करोगे तो 5 बजे शायद फिर से आपकी हिंदी की क्लास होती है भाई, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पूरा कंप्लीट टाइम मैं बता दूंगा आपको, 7 से 8 डेली आपकी मैथ्स की क्लास होती है सर, 7 से 8 डेली आपकी मैथ्स की क्लास होती है, शायद ये 12 से 1 में आपकी पॉलिटी होती है सर यहाँ पे, क्या होती है भाई पॉलिटी। तो आप सभी लोग क्लास 24 आप राजस्थान से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। आज इतिहास की क्लास नहीं हुई, इतिहास की क्लास भैया आज पेपर्स हैं, तो आज पेपर के सॉल्यूशन होंगे अपने चैनल पे। जितने भी लोग पहली बार पढ़ा रहे हैं चैनल को फटाफट लाइक कर लीजिए, सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी क्लासेस चल रही है बहुत ही शानदार तरीके से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, जय हिंद जय भारत, फिर मुलाकात होगी 4:30 बजे नए शिफ्ट 2 वाले पेपर के साथ में। थैंक यू।